यूपी में उद्योगपतियों का ये सबसे बड़ा आयोजन है। कारोबार जगत के बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े उद्योगपति आज यहां मौजूद हैं। अब तक 70,000 करोड़ का निवेश हो चुका है, इसका ऐलान हो गया है। रिलायंस, अडानी, M&M, AB बिरला ग्रुप निवेश करेगा और इनमें से कई ग्रुप्स ने अपनी धनराशि बाकायदा मंच से घोषित की। इन्वेस्टर समिट से 4,00,000 करोड़ के निवेश का अनुमान है अगले आने वाले सालों में और योगी आदित्यनाथ भी कोशिश कर रहे हैं हिंदुत्व नेता के साथ साथ एक विकास की छवि भी उनकी हो। 2019 चुनाव से पहले विकास की गंगा बहाने की ये तैयारी है और उसी के संदर्भ में ये 2 दिन का समिट। हिंदुत्व वाले योगी अब विकास वाले योगी बनेंगे, कितनी कामयाबी उन्हें मिलेगी इस पर सबकी नजर होगी। मोदी के आने से उद्योगपतियों का उत्तर प्रदेश में विश्वास बढ़ेगा। यूपी से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, अगले साल 2019 में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में ये इन्वेस्टर समिट काफी अहम। सरकार सुविधा देगी, 4,00,000 करोड़ लगाएंगे उद्योगपति, ये सरकार का कहना है। केंद्र और यूपी में बीजेपी सरकार होने से निवेश का रास्ता कुछ आसान होगा, जो निवेशक हैं उनमें भरोसा पैदा होगा, निवेश से विकास को गति मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा और इन्हीं सभी उम्मीदों के साथ इस इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है। यूपी में सबसे ज्यादा ग्राहक होने से जो कंपनी निवेश करेगी उसे फायदा भी होगा। ये है ABP News, आपको रखे आगे।